सब्सक्राइब कीजिए नो इन शॉर्ट चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को नो इन शॉर्ट के एक नया एपिसोड में। दोस्तों, हम जब भी एक हाई एंड गेम प्ले करने के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला चीज जो हमारे दिमाग में आता है वो है ग्राफिक्स कार्ड। एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड के बिना एक हाई एंड गेम प्ले करना पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से अगर आप ग्राफिक्स इंटेंसिव कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो, तो आपको एक ग्राफिक्स कार्ड का जरूरत पड़ता है। लेकिन हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ग्राफिक्स कार्ड एक्चुअली हमको लेना चाहिए, एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड अच्छा होता है या फिर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। तो इन्हीं सारे चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं वो डेफिनेटली आपको एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड चूज करने में हेल्प करेगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आज से कुछ साल पहले के बारे में बात करें तो जब भी कंप्यूटर एंड लैपटॉप के बारे में हम लोग बात करते थे तो उसमें एक मदरबोर्ड होता था एंड अलग अलग फंक्शन, जैसे कि ऑडियो वीडियो के लिए अलग अलग हार्डवेयर्स होते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते गया, लोग ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिवाइसेस पसंद करने लगे और ये जो अलग अलग हार्डवेयर्स हैं वो मदरबोर्ड के साथ ही इंटीग्रेटेड होकर आने लगे। जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है उसमें यही चीज़ होता है कि उसमें जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो मदरबोर्ड के साथ ही इंटीग्रेटेड होकर आता है। लेकिन जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है वो एक सेपरेट हार्डवेयर होता है जिसको सेपरेटली अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। अभी बात करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जिसको एक ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज है कि जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है वो एक सेपरेट हार्डवेयर है और उसको चलाने के लिए पावर्स की जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपके पीसी में या फिर लैपटॉप में एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है तो पावर कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन क्योंकि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मदरबोर्ड के साथ ही इंटीग्रेटेड होता है तो उसमें पावर कंजम्पशन थोड़ा सा कम होता है। ओके, तो अगर पावर के बारे में बात करें तो आपको डेफिनेटली एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला पीसी या लैपटॉप चूज करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस। क्योंकि डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड एक अलग हार्डवेयर होता है तो उसको मैन्युफैक्चर करने में या फिर उसको बनाने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है या फिर ज़्यादा वो पावरफुल होता है। इसी कारण जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है उसका प्राइस इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड से थोड़ा सा हाई होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर लेट्स से आपका एक लैपटॉप है जिसमें जो रैम है वो 8GB का है एंड उसमें 2GB का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है या फिर शेयर्ड ग्राफिक्स कार्ड है, तो इसका मीनिंग ये नहीं होता कि 8GB का एक रैम मिल गया आपको और 2GB का अलग से ग्राफिक्स कार्ड के लिए रैम मिल गया। जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है वो जो मेन रैम होता है उसी से वो मेमोरी शेयर करता है। मतलब अगर 8GB के रैम पे अगर 2GB आपको ग्राफिक्स कार्ड के लिए रैम मिल रहा है, दैट मीन्स आपका इफेक्टिव जो रैम है वो 6GB ही होगा। मतलब अगर हाई एंड के ग्राफिक्स वगैरह प्ले करोगे या फिर गेम वगैरह खेलोगे तो उस केस में जो आपका इफेक्टिव या फिर अवेलेबल रैम होगा वो खाली 6GB का होगा, क्योंकि बाकी का जो 2GB है वो शेयर्ड है, वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड उसको यूज़ करता है। एंड इसको यूज़ करना है नहीं करना है इसका डिसीजन लेता है आपका पीसी का या लैपटॉप का जो सीपीयू है वो डिसीजन लेता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि आजकल बहुत सारे लैपटॉप्स आते हैं जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी होते हैं, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी होता है। ऐसा होने का मेन कारण यही है कि दो ऑप्शंस रहने से जो बैटरी कंजम्पशन होता है वो कम होता है, क्योंकि सीपीयू डिसाइड करता है कि क्या इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड को यूज़ करना है या फिर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड को यूज़ करना है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का सॉफ्टवेयर आप या फिर गेम आप अपने लैपटॉप में प्ले कर रहे हो। अगर आप हाई एंड का कुछ गेम वगैरह प्ले कर रहे हो तो उस केस में सीपीयू जो ग्राफिक्स प्रोसेस करेगा वो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के हेल्प से करेगा और उस केस में आपका पावर कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और नॉर्मल अगर आप काम करते रहते हो, सपोज वर्ड में कर रहे हो या फिर छोटा छोटा एप्लीकेशन वगैरह प्ले कर रहे हो, उस केस में जो सीपीयू है वो जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है उसी को यूज करेगा और बैटरी कंजम्पशन थोड़ा सा कम होगा। तो ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप इसे कुछ सीख पाए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए जाने वाले चैनल आइकन को जरूर क्लिक करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मैं मिलता हूं एक नए टेक वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।